नमस्कार। अप्पू के 2.5 साल जो हैं ये सत्यजीत राय जी के द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा संस्मरण है। संस्मरण मतलब एक याद की हुई एक बात है जो हम 5 मिनट में इसके सारांश के रूप में हम अभी पढ़ेंगे। अप्पू के 2.5 साल, ठीक है। ये आप चित्र देख रहे होंगे, आपको ये अप्पू दिख रही होगी, एक दुर्गा दिख रही होगी। तो ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं इनको बहुत ही कम समय में आपको बता रहा हूँ। इन सब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्या हुआ था इस पूरे अप्पू के 2.5 साल वाले संस्मरण में, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। क्या क्या था कि जो सत्यजीत राय हैं, इनकी एक फिल्म है पाथेर पंचाली। क्या नाम है उसका? पाथेर पंचाली नाम की एक मूवी है। उसके 2.5 साल बीत गए थे। कितने साल? 2.5 साल उसके बीत गए थे। 2.5 साल। तो 2.5 साल के बाद क्या हुआ कि उन्हें ना, मतलब वो जो ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके उनके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, एक एडवर्टाइज कंपनी में काम करने लग गए थे। जब भी वो काम करते, काम के बाद वो घर में आते, घर में आने के बाद थोड़ा सा शूटिंग का काम करते। तो बीच बीच में क्या होता कि फिल्म को रोक देते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो रुक रुक के ही पैसे का इंतज़ाम कर कर के ही उनकी जो है फिल्म की शूटिंग होती रहती, ठीक है। तो उन्हें ना एक अप्पू नाम का एक करेक्टर चाहिए था। अप्पू अप्पू नाम का एक करेक्टर चाहिए था और जिसकी उम्र होनी चाहिए सिर्फ 6 साल, ठीक है। उन्हें अप्पू नाम का एक करेक्टर कहीं मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत एडवर्टाइजमेंट की, ये वो सब कुछ किया, लेकिन उन्हें अप्पू नाम का करेक्टर नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक से उन्हें पास के ही पड़ोसियों के घर से अप्पू नाम का एक करेक्टर मिल गया। तो अप्पू के साथ एक और करेक्टर चाहिए था उन्हें, दुर्गा। दुर्गा भी उन्हें मिल गई। तो दोनों की जो है शूटिंग शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ, वो एक गांव में गए जो कलकत्ता से कुछ 1 किलोमीटर दूर था, 70 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर गए पालसिट नाम की एक जगह में, वहाँ उन्हें एक शूटिंग करनी थी। तो शूटिंग में क्या करना था उन्हें कि जो वहाँ का एक सीज़न रहता है, वहाँ पर ना एक काश फूल नाम के एक फूल जो है वो खिलते, तो उस सीज़न में उनको वहाँ शूटिंग करनी थी। तो अब उन्हें इस बात का भी डर था कि अप्पू और दुर्गा कहीं समय के साथ साथ बड़े ना हो जाएं, है ना। बड़े हो गए तो शूटिंग में वो वाली बात नहीं दिखेगी, पहले अप्पू और दुर्गा छोटे फिर बाद में बड़े। तो उनको उनकी उम्र जो है वो बरकरार रखनी थी। तो ऐसा ही वो करते रहते थे। उन्हें साथ में एक इंदिरा की भूमिका में एक चुन्नी वाला देवी थी, उनका भी डर था। उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा थी तो कहीं वो मर ना जाए, उनका भी उन्हें डर लगा रहता था। तो ये सब इस अप्पू के 2.5 साल की संस्मरण में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि शुरू में जब उन्होंने जो पालसिट नाम की जगह में जाके शूटिंग शुरू की, तो वहाँ क्या किया कि उन्होंने कुछ एक दिन वहाँ शूटिंग की, पैसे ख़त्म हो गए, वापस लौट के आ गए अपनी जगह पे। तो अब क्या हुआ कि वो हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद, 7 दिनों के बाद फिर से वहाँ गए। तो 7 दिनों के बाद वहाँ गए तो वहाँ पर जो सीन है बिल्कुल बदल गया था। काश फूल वहाँ पर थे नहीं, सारे ख़त्म हो गए थे, ठीक है। अब उन्हें क्या करना पड़ा कि 1 साल ना फिर से काश फूल आए, 1 साल के बाद उन्हें फिर से उस जगह पे आकर के उन्होंने शूटिंग की। तो 1 साल उसके लिए शूटिंग में उनको रुकना पड़ा। अब शूटिंग के दौरान उन्हें ट्रेन्स की शूटिंग करनी थी, ट्रेन जा रही है पास में से, ये अप्पू और दुर्गा के सीन फिल्माने थे। अब ट्रेन के बीच में कोयला डलवाना पड़ता था उन्हें, ठीक है। किस लिए डलवाना था? ताकि ट्रेन से धुआं उठता हुआ दिखे और बैकग्राउंड अच्छी सी बने। तो ये सारी बातें थी। अब उन्हें एक बूलो नाम का एक कुत्ता भी चाहिए था। बूलो नाम का कुत्ता उन्हें कहीं से मिले। तो बूलो नाम का कुत्ता जो था उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। क्या होता है कि बूलो नाम का वो कुत्ता अरेंज कर लेते हैं वहाँ पर, जिसके सीन वो दर्शाते हैं अलग अलग तरीके से। बाद में क्या होता है कि 6 महीने बाद वो फिर से शूटिंग के लिए आते हैं उस जगह पे। अब उन्हें फिर से वो बूलो कुत्ता चाहिए, लेकिन बूलो कुत्ता मर जाता है ना। अप्पू की माँ है जिसका नाम है सर्वजया। सर्वजया का भी यहाँ वर्णन है कि सर्वजया जो है किस तरह से अप्पू को खाने के लिए बार बार कहती है, लेकिन अप्पू खाना नहीं खाता है। तो फिर उसके बाद
बूलो का डबल रोल मिल जाता है उनको, बूलो नाम का एक कुत्ता उसका उनके डबल रोल मिल जाता है सेम टू सेम बूलो जैसा। इसी के साथ साथ में एक श्रीनिवास हैं मिठाई वाले, उनके साथ भी बूलो जैसी ही घटना हुई। जो श्रीनिवास थे, जब पहले 6 महीने पहले शूटिंग होती थी, वो मिठाई वाले जो थे श्रीनिवास जी, तब अच्छे कट्टे अच्छे ही थे तो मिठाई बेचते थे, तो उन्हें किसी अलग मिठाई वाले के रोल के लिए मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, श्रीनिवास से ही काम चला रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो श्रीनिवास जो हैं मिठाई वाले, 6 महीने के बाद उनका भी देहांत हो जाता है, तो फिल्म की शूटिंग वहाँ पर भी रुकती है। तो फिर वो क्या करते हैं, श्रीनिवास का डबल रोल ढूंढते हैं, जैसे कुत्ते का डबल रोल ढूंढ लिया। अब उसी गाँव में शूटिंग करते हुए एक सुबोध दा नाम के एक शख्सियत उनको मिलती है, सुबोध दा। अब सुबोध दा जो थे वो जो फिल्म बनाने वाले लोग थे उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। अब सुबोध दा का सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब यहाँ पर वो शूटिंग करते थे जिस जगह पर, वहाँ एक धोबी भी था। धोबी क्या करता था कि मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, ज़ोर ज़ोर से भाषण देता था, उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था, तो धोबी की वजह से वो डिस्टर्ब होते थे। तो इस पाठ के अंत में, इस पाठ का अंत थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि उनके एक साउंड रिकॉर्डर हैं जो उस कमरे में साउंड रिकॉर्डिंग करते थे, जो कमरा उन्होंने किसी से किराए पर लिया हुआ था शूटिंग के दौरान, है ना। तो साउंड रिकॉर्डिंग करते थे, साउंड रिकॉर्डर करने वाले का नाम था भूपेन दा। तो भूपेन दा जो है वो साउंड रिकॉर्डिंग करते थे, और जब भी शूटिंग का सीन होता था तो उन्हें बोला जाता था कि आप साउंड दीजिए, आप साउंड दीजिए, है ना। तो एक दिन क्या होता है कि वो कह ही रहे थे कि आप साउंड दीजिए साउंड दीजिए, तो किसी ने साउंड नहीं दी। तो क्या हुआ कि जब बाकी वाले लोगों ने या सत्यजीत राय जी ने अंदर जाके देखा, तो उनको खिड़की के पास में से एक सांप नीचे जाता हुआ दिखा। तो बस यहीं तक ही ये पाठ है, कोई बहुत बड़ा पाठ है नहीं है, बस एक फ़िल्म की शूटिंग का ही संस्मरण है। तो छोटी सी स्टोरी है किसकी, अप्पू के 2.5 साल की, है ना। अप्पू के जो 2.5 साल हैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी जितनी जितनी छोटी छोटी आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, आप उन्हें अच्छे से सीखें। धन्यवाद।